पाकिस्तानी एथलीट मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। इस वक्त अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं। मजीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर जावेद से, जो इस वक्त अरशद नदीम के घर पर ही मौजूद हैं। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त पेरिस ओलंपिक के मुकाबलों में जीलन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम के घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर उनकी आमद के सिलसिले में उनको तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त उनके पड़ोसी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं और अरशद के आने पर ये क्या करेंगे। तैयारियाँ जो हैं वो बहुत अरूज पर हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये चूना वगैरह लगाया जा रहा है और सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम, बल्कि इस गांव को मॉडल विलेज का दर्जा दिया जा रहा है। तो यूं ही वो पहुंचेंगे तो ढोल ढमके, शरनाइयाँ और उनका इस्तकबाल पुरजोश तरीके से किया जाएगा। इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं, जल्दी पहुंचेंगे तो यहाँ पे तैयारियाँ रूज पे हैं। अहले इलाका और जो गांव वाले हैं बड़े खुश हैं। जी, जैसे कि इनका कहना है कि उनकी आमद के सिलसिले में तैयारियाँ रूज पर हैं और जो ही वो पहुँचेंगे तो उनका शायन शान इस्तकबाल किया जाएगा और उन्हीं के जीतने की खुशी में इस गांव को मॉडल विलेज का दर्जा दे दिया गया।